थ इसकी पोएम फोर द वॉइस ऑफ द रेन फर्स्ट क्वेश्चन है देर आर टू वॉइज इन द पोएम हु डो दे बिलोंग टू विच लाइन इंडिकेट्स दिस अर्थात यहाँ पर पोएम में दो आवाज़ें दी गई हैं तो यह दो आवाज़ें किसकी हैं आंसर इज द टू वॉइज इन द पोएम आर द वॉइस ऑफ द पोएट एंड द वॉइस ऑफ द रेन तो दो आवाज़ें किस किसकी दी हुई हैं दो आवाज़ें दी हैं एक आवाज़ है पोएट की और दूसरी आवाज़ है रेन की क्वेश्चन नंबर टू हु डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन्स स्ट्रेंज टू टेल मीन फ्रेज का यहाँ क्या अर्थ है आंसर द फ्रेज मीन्स दैट इट इज सरप्राइजिंग दैट द रेन गिव्स एन आंसर टू द पोएट तो ये इस फ्रेज का क्या मतलब है कि ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि रेन आंसर दे रही है पोइट को जब पोइट पूछता है कि कौन हो तो वो आंसर देने लगती है तो किसी भी रेन का आंसर देना अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है इसीलिए पोइट कहते हैं कि इट इज स्ट्रेंथ टू टेल क्वेश्चन नंबर थ्री देर इज़ पैरल ड्रॉन बिटवीन इन द म्यूजिक विच वर्ड इंडिकेट दिस एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिट्वीन द टू तो दो आवाज़ें दी गई हैं और दोनों आवाज़ों के बीच में सिमिलरिटीज़ बताई गई हैं तो वो क्या चीज़ है तो आंसर है दे बोथ रिटर्न टू द प्लेस ऑफ दियर ओरिजिन आफ्टर फुलफ़िलिंग दियर टास्क तो वो सिमिलरिटी क्या है कि ये दोनों ही आवाज़ें अपना काम पूरा करने के बाद में वापस अपने ओरिजिन पर आ जाती हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाउ इज़ द साइक् मोमेंट ऑफ़ रेन ड्राउट आउट इन द पोएम तो ये जो साइक्लिक मोवमेंट बताया गया है इस का रेन का तो ये कैसे बताया गया है और इसमें यह भी पूछा गया है कि क्या आपने इसको साइंस में पढ़ा है किस तरह से तो आंसर इज द पोइट एक्सप्लेन दैट द रेन ड्रॉप प्राइजेज अप फ्रॉम द लेन एंड द सी दैन कम बैक टू द अर्थ तो ये पोएट्स इसमें जो रेन के बारे में बता रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो ड्रॉप्स हैं ये लैंड से और ज़मीन से और समुद्र से उठकर जाती हैं ऊपर और बादल के रूप में बनके और फिर बारिश के रूप में वापस से नीचे आ जाती हैं और ये हमने साइंस में किस रूप में पढ़ा है इट इज़ सिमिलर टू साइकिल जो जल चक्र के बारे में हम पढ़ते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन नंबर फाइव वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट इन विद इन ब्रेकेट ये जब पोएम हम पढ़ते हैं तो देखते हैं लास्ट की जो दो लाइन है वो ब्रेकेट में दी गई है तो वो क्यों दी गई है द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन ब्रैकेट्स बिकॉज दे आर नॉट वॉइस ऑफ द रेन और द पोएट क्योंकि बाकी तो यहाँ पे सारी जो आ, आपस में कन्वर्सेशन है या आवाज़ें हैं वो किसकी हैं या तो पोएट की हैं या रेन की है लेकिन ये जो दो लास्ट की लाइन्स हैं ये आवाज़ें न तो रेन की हैं न ही पोइट की हैं इसलिए इन्हें अलग से ब्रेकेट में रखा गया है और लास्ट क्वेश्चन है लिज द पेयर ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम पोएम में कौन से अपोजिट वर्ड्स लिए गए हैं वो बताइए तो तीन अपोजिट वर्ड इसमें दिखते हैं एक तो राइज और डिसेंट यानी राइज यानी उठना डिसेंट नीचे गिरना और डे का दिन और अपो इसका अपोजिट नाइट ये भी दिया हुआ है और रेकेंड और अन मतलब जानी पहचानी और अनजानी तो ये यहाँ पर पेयर दिए गए हैं अपोज़िट वर्ड्स के तो आप ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आंसर्स लिखवाए हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं साथ ही साथ ये परफेक्ट भी हैं ओके थैंक यू स्टूडेंट्स